ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की अनुपम कृति गीता, जीवन जिए कैसे गीता कहे जैसे, गीता संस्करण। भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद व वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी भूमिका लिखकर इसे और गौरवान्वित किया है। तो आइए गीता पर राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के विचार को सुने। यही नैतिकता जीवन को व्यवस्थित करती है, जीवन को जीने योग्य बनाती है। जब तक जीवन में वक्रता है तब तक जीवन विकृतिपूर्ण है, तब तक वह नैतिक नहीं बन सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने पूरी गीता में बार बार यही कहा है कि तुम स्वयं को पहचानो। जब तक तुम बाहर की ओर भागते रहोगे तब तक तुम अहंकारी रहोगे, और जब भीतर की ओर मुड़ोगे तब तुम्हें आत्मबोध हो जाएगा। लेकिन यह आत्मबोध मनुष्य को तभी प्राप्त होता है जब वह परमात्मा अथवा गुरुजन के प्रति स्वयं का समर्पण कर देता है। लेकिन यह समर्पण आसान नहीं होता। मनुष्य का अहंकार, विकार, काम वासना, दुष्प्रवृत्ति पहाड़ बनकर सामने खड़ी रहती है, पार जाने नहीं देती। पार जाना कठिन होता है। जैसे आज के युग में लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाते हैं, वहाँ माता गुफा में बैठी हैं, उसमें जाने के लिए आपको अहंकार से भरे सड़कों पर पूरी तरह झुककर प्रवेश करना पड़ता है। जो सिर नहीं झुकाता वह गुफा में प्रवेश नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने दिव्य प्रकाश का बोध तभी कर पाता है जब वह समस्त विकारों और विकृतियों को त्याग कर अपने स्वरूप को पहचान लेता है। इसी को आत्मबोध कहते हैं। मनुष्य जब इस आत्मबोध का दर्शन करने लगता है तो एक साथ सभी विधाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जेहि जानत तेहि देत जनाई, जानत तिनहि होई जाई। जो मनुष्य स्वयं को जान लेता है वह सबको जान लेता है। उसका कारण यह है कि जो हम हैं वही ब्रह्मांड है। पांच तत्वों से हम भी बने हैं और पांच तत्वों से ब्रह्मांड भी बना है। कहा जाता है जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए उस एक को जान लेने से मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि पहले तुम उस परम तत्व को जान लो जो तुम हो। लेकिन मुश्किल है, मनुष्य उस परम तत्व की ओर जा नहीं पाता है, क्योंकि रास्ते में भोग विलास और जीवन में भ्रम पैदा करने वाली वस्तुएं पड़ी हैं। यही कारण है कि मनुष्य जीवन में सफल नहीं हो पाता। सफलता के लिए एकनिष्ठ और एकाग्र होने की आवश्यकता है। इसके अभाव में मनुष्य इस संसार की मृग तृष्णा में भटकते भटकते कहीं खो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यह जो संसार तुम्हें दिख रहा है वह भ्रम है, माया जाल है। तुम्हारे जीवन में सुख का भ्रम मात्र पैदा कर रहा है। पहले अपनी दृष्टि बदलो। जब तक तुम्हारी आंखों पर केंचुल चढ़ा रहेगा तब तक तुम सत्य को नहीं देख पाओगे, क्योंकि सत्य दर्शन के लिए तुम्हें विकारों से मुक्त होना पड़ेगा, तभी तुम अपने जीवन को पहचान सकोगे। कृष्ण पुनः कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा जीवन तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन तुम अपनी आंखों पर अपने पराये का केंचुल चढ़ाकर खड़े हो। पहले इस केंचुल को उतारो तभी तुम इस जीवन को देख सकोगे। जब तक तुम जीवन को देखोगे नहीं, उसे पहचानोगे नहीं, उससे मित्रता नहीं करोगे, तब तक उस जीवन के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम, करुणा और आसक्ति पैदा नहीं होगी। इसीलिए मनुष्य का दायित्व है कि परमात्मा ने जो जीवन उसे दिया है उस जीवन को आकर्षक बनाएं, उससे प्रेम करें, उसके महत्व को समझें और तब अपने कर्तव्य का बोध प्राप्त करें।
पूरी गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल कर्तव्य बोध कराया है। कृष्ण बार बार कहते हैं अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पूरा करो, लेकिन मनुष्य अपनी निष्ठा को गलत मोड़ दे देता है। वह झूठ को सत्य और भ्रम को मित्र मान लेता है, इसी कारण वह पूरे जीवन भर भ्रम में जीता रहता है। इसी भ्रम के त्याग के लिए मनुष्य को नैतिक बनना पड़ता है, क्योंकि नैतिकता ही एक ऐसा प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को नष्ट कर देती है। गीता पढ़ते समय लगता है कि श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को उपदेश दिया है, लेकिन अर्जुन तो एक प्रतीक है, वह तो समस्त मानवता का प्रतिनिधि है। अर्जुन को समझाते समय लगता है कृष्ण समस्त मानवता के पास खड़े होकर बोल रहे हैं। महाभारत के जो पात्र हैं वे शुरू में प्रतिबिंब रूप में दिखते हैं, लेकिन कथा जब आगे बढ़ती है तो महाभारत का कोई भी पात्र पूरी गीता में कहीं नहीं दिखता। लगता है कृष्ण मनुष्य के संपूर्ण जीवन के उद्देश्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। इसीलिए गीता अंत सर्वाद है, गीता एक मनोविज्ञान है, गीता एक टेलीपैथी है। कृष्ण अर्जुन से बात करते हुए अवश्य दिख रहे हैं, लेकिन श्रोता केवल अर्जुन नहीं है, सामने पूरी मानवता खड़ी है। इसीलिए कृष्ण चाहते हैं कि मनुष्य की समस्त वृत्तियों का परिष्कार तभी होगा जब वह स्वयं को पहचान ले। आत्म केंद्रित होने की प्रेरणा कृष्ण देते हैं, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा विकार यह है कि वह हमेशा अहंकार के घोड़े पर चढ़ा रहता है। उसके सिर पर नाक की तरह फन फैलाए विषधर दूसरे को डंक मारने के लिए खड़ा रहता है। यही अहंकार है, दूसरों को नीचा दिखा देना यही अहंकार है। आखिर युद्ध क्यों होता है? युद्ध में दो अहंकार लड़ता है। युद्ध मनुष्य की वृत्ति नहीं है, मनुष्य की वृत्ति है प्रेम, करुणा और दया। दया हम दूसरों पर दिखाते हैं, करुणा में हम स्वयं अभिभूत हो जाते हैं। दया और करुणा में यही अंतर है। दया बाहर की प्रतिक्रिया है, करुणा भीतर की प्रतिक्रिया है। इसी करुणा से प्रेम का जन्म होता है, प्रेम का जन्म करुणा से होता है, और मोह का जन्म अहंकार से होता है। जिस प्रकार सज्जन और दुर्जन दोनों मनुष्य ही होते हैं, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि सज्जन और दुर्जन में यही अंतर है कि सज्जन स्वयं के अहंकार में जीता है और दुर्जन दूसरों पर अपने अहंकार को आरोपित करता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को इन विकारों से अलग करो। विकार स्वयं का हो या दूसरे का हो, दोनों हानिकारक है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, वह राज्य चाहता है, लेकिन युद्ध से भाग रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कायर और क्लीब भी कहते हैं, साथ ही वे उसे कर्तव्य बोध भी करा रहे हैं। पूरी गीता इसी पर खड़ी है। आपने देखा होगा युद्ध की घोषणा हो चुकी है, युद्ध भूमि में कौरव और पांडव खड़े हो चुके हैं, अब आदेश की प्रतीक्षा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आक्रमण पहले कौरव को करने दो, इसलिए शंख पहले कौरव बजाता है, बाद में पांडव की ओर से जवाब मिलता है। यहां भी कृष्ण यही कहते हैं, आक्रमण की प्रतीक्षा करो, जब आक्रमण हो जाए तो प्रतिकार करना हमारा धर्म है। इसीलिए शंख पहले कौरव बजाता है,
तब पांडव की ओर से जवाबी शंख ध्वनि मिलती है। गीता के प्रारंभ में एक बहुत ही विवाद संबोधन धृतराष्ट्र करता है। वह राजा है, उसके लिए पुत्र दुर्योधन और भतीजे युधिष्ठिर में कोई अंतर नहीं है, वह दोनों परिवार का मुखिया है।